आज हम बनाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी मिरर ग्लेज केक। और इसमें ये जो ग्लेज है ना, इसे हम बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। कोई कॉर्नफ्लावर, कोई न्यूट्रल जेल यूज़ नहीं करनी है। और साथ में जो केक होगा वो रहेगा एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम अपनी केक की स्पॉन्ज बनाएंगे। और इसके लिए ना मैं अपने फेवरेट चॉकलेट केक की रेसिपी यूज़ कर रही हूँ, जो मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो इसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ लिया है 1/3 कप ऑयल, साथ में डाला 1/3 कप दही, और साथ में इसमें डाला 1/2 कप प्लस 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है 30-40 सेकेंड तक। और फिर इसके बाद इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेनी है, जिसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप इसकी जगह 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। और साथ में डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच में नमक डाल देंगे। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। और इसके बाद अब इन इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद ना, हमें इसे मिक्स करने के लिए एक स्पैचुला यूज़ करना है। और इसके साथ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। तो इसे मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें दूध ऐड करने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस दूध को ऐड करना है और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो बस फाइनली अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये इस तरह की रिबन जैसी फ्लोई रखनी है हमें। तो बैटर को डालने के लिए अब हम मोल्ड को तैयार कर लेंगे। इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का मोल्ड लिया है। इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह अपने मोल्ड को मैदे से भी डस्ट कर सकते हो। अच्छा, इस मोल्ड को ना आप पहले से ही तैयार करके रखिएगा बैटर बनाने से पहले। तो इस मोल्ड में अब हम डाल देंगे अपना ये बैटर, थोड़ा टैप कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसे प्री हीटेड कढ़ाई में बेक करेंगे। तो इसके लिए ना मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई में थोड़ा नमक डाल के इसको प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। और अब ये कढ़ाई काफ़ी अच्छे से गर्म है, तो इस गर्म कढ़ाई में अब हम अपना ये मोल्ड रख देंगे। और इसे हमें ढककर लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करना है तकरीबन 35-40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 30 मिनट पर आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। ओवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35-40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं। आप देख रहे हो कि केक फूल गया है, बट इसमें थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। और इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसको एक बार टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो हम इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और इस केक को ढककर थोड़ी देर के लिए साइड पर रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इतने देर में हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये वाली जो क्रीम है ना, ये आपको किसी बेकरी शॉप से या कोई ऐसी शॉप जहाँ से आप केक डेकोरेशन का सामान परचेज़ करते हो वहाँ से मिल जाएगी। बट फिर भी अगर आपको ये ना मिले तो इसकी जगह कोई भी और क्रीम ले लो, बस उसमें जो फैट कॉन्टेंट है ना वो कम से कम 30% होना चाहिए। तो इस क्रीम में मैंने डाला 1/4 कप पिसी हुई चीनी और 1/4 कप कोको पाउडर। तो इन दोनों चीज़ों को पहले क्रीम में थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स इधर उधर उड़े नहीं। और फिर हम इस विस्कर को ऑन करेंगे और इसे हमें व्हिप कर लेना है तब तक जब तक कि क्रीम में स्टिफ पीक्स ना बनने शुरू हो जाएं। और एक और बात कि अगर आपके भी यहाँ मेरी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी है और क्रीम व्हिप नहीं हो रही है, तो इसके लिए ना आप एक बोल में थोड़ी सी आइस क्यूब्स ले लीजिए और फिर इसके ऊपर रखिए अपना ये क्रीम वाला बोल और फिर इसे व्हिप करना शुरू करिए। इससे आपकी क्रीम बहुत ही जल्दी व्हिप हो जाएगी और साथ में ना ये काफ़ी अच्छे से स्टिफ पीक्स वाली कंसिस्टेंसी में आएगी। तो मैंने इसे व्हिप कर लिया है और क्रीम को जब आप उल्टा करके देखोगे तो ये बोल में से गिरेगी नहीं, इतने अच्छे से क्रीम को व्हिप करना है। तो इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बनाएंगे अपना मिरर ग्लेज, जिसके लिए एक सॉस पैन में ना मैं यहाँ ले रही हूँ ये 3/4 कप पानी। आप अपने घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर लो, उससे सारी मेजरमेंट्स कर सकते हो आप। और साथ में इसमें डाल देंगे 1/3 कप कोको पाउडर और साथ में डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी पीसी हुई हो तब भी चल जाएगी, नॉर्मल वाली है वो भी चल जाएगी। मेरे पास दोनों तरह की थी, मैंने मिक्स करके यूज़ कर दी है। तो इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप दूध, इससे हल्की सी ना क्रीमीनेस और रिचनेस आ जाएगी। और ये फुल फैट दूध था मैंने जो यूज़ किया है। तो बस इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे पका लेंगे। इसके लिए ना फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसके ऊपर हम अपना ये सॉस पैन रखेंगे और इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे और लो फ्लेम के ऊपर ही ना इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है तब तक जब तक कि ये जो मिक्सर है ना ये काफ़ी अच्छे से थिक हो जाएगा।
तो इसे रखे हुए मुझे तकरीबन 3-4 मिनट हुए हैं और ये मिक्सर हल्का हल्का सा थिक होना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज के ऊपर अब हम इसमें चॉकलेट ऐड कर देंगे। तो 60 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाली है मैंने इसमें, इसे भी मिक्स कर लेना है और इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर थोड़ी और देर तक पकाएंगे इसे। तो इसे रखे हुए मुझे तकरीबन 9 मिनट हो गए हैं और अब आप देख रहे हो कि मिक्सर जो है ये एकदम क्रीमी हो गया है, कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें और इसमें बबल्स भी बन रहे हैं। तो एक बार चम्मच से चेक कर लेंगे तो आप देख रहे हो कि चम्मच को ये कितने अच्छे से कोट कर रहा है। तो हमें इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो बस हमारा ये मिक्सर तैयार हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे और एंड में ना मैं इसमें एक बड़ा चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ, इससे इसमें ग्लेज भी आ जाएगा और साथ में एक क्रीमीनेस भी आ जाएगी। तो बस इसे भी मिक्स कर लेना है, बटर भी मेल्ट हो गया है और इसी के साथ हमारा ये मिरर ग्लेज बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम छान लेंगे और एक बोल में निकाल कर रख लेंगे। जब गर्म हो ना साथ के साथ ही आप इसे छान लीजिएगा। अच्छा, तो हमारा मिरर ग्लेज तो तैयार हो गया है, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद और भी थिक और क्रीमी हो जाएगा। तो इसे अब हम एक साइड पर रख देंगे और किचन काउंटर पर ही रखा रहने देंगे ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। आ इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये केक अब अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे डीमोल्ड कर लेना है। तो पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लेंगे और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से केक बाहर आ जाएगा। तो बस इसी के साथ हमारा ये बेसिक चॉकलेट स्पॉन्ज केक तैयार है। बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है इस तरह से ये चॉकलेट स्पॉन्ज, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये। तो चलिए केक हो गया तैयार, अब हम इसे पहले लेयर्स में कट करेंगे और फिर इसके आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की ये जो अनइवन लेयर क्रैक्ड लेयर है इसको निकाल देना है और इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप केक के, कितना ज़्यादा जालीदार बना है, बहुत ही मॉइस्ट और एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है ये। तो बस इसके बाद अब मैं इसे 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ, जिसके लिए साइड पे ना 2 कट्स लगा रही हूँ मैं यहाँ और फिर एक कट में हम डालेंगे एक थ्रेड। तो कोई भी नॉर्मल थ्रेड लेके ना इस तरह से कट में थोड़ा इंसर्ट कर लेंगे और धीरे धीरे जब इस थ्रेड को आप अपनी तरफ खींचेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। मैं इसी तरह से अपने केक को कट करती हूँ, आप चाहो तो सीधे नाइफ के साथ भी कट कर सकते हो। तो अब हम अपने इस केक की आइसिंग कर लेंगे, जिसके लिए किसी भी फ्लैट सर्फेस के ऊपर पहले थोड़ी क्रीम लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे अपने केक की पहली लेयर, हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये नीचे बेस के साथ स्टेबल रहे और फिर इसे मॉइस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने सिंपल शुगर सिरप यूज़ किया है। इसके लिए ना 1/2 कप गर्म पानी में मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स कर लिया था और जब ये सिरप पूरा अच्छे से ठंडा हो गया ना तब हम इससे केक को मॉइस्ट कर रहे हैं। तो पूरा अच्छे से केक को मॉइस्ट कर लिया मैंने और इसके ऊपर अब जाएगी क्रीम की एक लेयर। तो क्रीम को लगाने के लिए मैं हमेशा पाइपिंग बैग यूज़ करती हूँ, आप डायरेक्ट लगा सकते हो क्रीम को। और इस तरह से क्रीम को लगाने के बाद ना अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा चॉकलेट गनाश। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम के साथ ना हम इसके साइड पे इस तरह से बाउंड्री बना लेंगे। अच्छा, गनाश डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास ना ये थोड़ा सा गनाश बचा हुआ था, पहले किसी केक में बनाया था मैंने, तो मुझे इसको ख़त्म करना था और मुझे आज के केक को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाना था, तो इसलिए मैं इसमें ये गनाश यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये गनाश डाल दिया है और गनाश को अगर आप बनाने का लिंक देखना चाहते हो तो उसकी रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ उससे चेक भी कर सकते हो। तो बस इसे भी थोड़ा फैला लेंगे और फिर इसके ऊपर जाएगी केक की दूसरी लेयर और फिर से सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। तो पहले मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ, फिर इसके ऊपर लगा देनी है क्रीम और फिर क्रीम के साथ ही बाउंड्री बना कर ना इसके सेंटर में थोड़ा सा गनाश डाल रही हूँ मैं। तो बस इसके ऊपर अब मैंने केक की फाइनल लेयर रख दी है, इसे भी मॉइस्ट कर लिया है शुगर सिरप के साथ। आ इसके बाद अब हम अपने इस पूरे केक को क्रीम से कवर कर लेंगे और फिर इस केक की फिनिशिंग कर लेंगे, जिसके लिए आप केक स्क्रेपर ले सकते हो या फिर इस तरह का कोई भी कार्ड पड़ा हो आपके घर में तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। तो बस केक की फिनिशिंग हो गई है, अब इस केक को ना 1/2 घंटे के लिए एक बार मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि क्रीम थोड़ी सी सेट हो जाएगी और फिर हम इसकी फाइनल गार्निशिंग करेंगे। तो बस थोड़ी देर के बाद इस केक को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अब हम इस केक के ऊपर मिरर ग्लेज पोर करेंगे। तो चाहो तो वैसे आप इसी मतलब जो फ्लैट सर्फेस जिसपे हमने केक को आइसिंग की है इसी के ऊपर आप अपना ये मिरर ग्लेज पोर कर दो, जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो साइड से कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मैसी हो जाएगा वो। या फिर आप अपने केक को केयरफुली इस तरह से 2 स्पैचुला की हेल्प से लिफ्ट करो और इसे रख देंगे एक रैक के ऊपर, जिसके नीचे मैंने एक प्लेट लगा ली है। और जब हम इसके ऊपर अब हम अपना ग्लेज डालेंगे ना तो ये जितना भी एक्स्ट्रा ग्लेज होगा वो नीचे प्लेट में गिर जाएगा और आपको ज़्यादा मैसी नहीं होगा। तो इसके बाद ये जो ग्लेज जिसको मैंने किचन काउंटर पर ही रखा था अब ये ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गया है और आप देख रहे हो कि पहले से और भी थिक और क्रीमी हो गया है ये। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे ग्लेज की। तो अब हम इसे पोर कर देंगे अपने केक के ऊपर। तो इसके लिए इसको इस तरह से पोर कर देना है और ये अपने आप ही फ्लो करता जाएगा, आपका सारा केक कवर कर लेगा और जितना भी एक्स्ट्रा ग्लेज होगा ना वो नीचे प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा, आप वापस से उसे किसी और केक के लिए यूज़ कर सकते हो।
वाह, आप देख रहे हो कितना अच्छे से फ्लो कर रहा है, ये पूरे केक को इसने अपने आप से ही कवर कर लिया है। और ये जो ऊपर की लेयर बन गई है, आप देख रहे हो कि इसमें कितना अच्छा मिरर इफेक्ट आया है, कितनी शाइन है इसमें, आपको मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो बस फाइनली इस केक को कुछ सेकेंड्स के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा गनाश होगा वो नीचे गिर जाएगा, और फिर इसके बाद वापस से इसे स्पैचुला की हेल्प से उठा लेंगे। तो केयरफुली इसे लिफ्ट करेंगे और इसे रखेंगे किसी भी फ्लैट सर्फेस के ऊपर, और फिर इस केक को ना आधे पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये गनाश जो है, यानी कि ये जो ग्लेज है, ये थोड़ा सा सेट हो जाए, और फिर हम इसकी फाइनल गार्निशिंग करेंगे। तो बस फाइनली थोड़ी देर तक फ्रिज में रखने के बाद अब इसकी गार्निशिंग करेंगे, जिसके लिए वाइट चॉकलेट से मैं इसके ऊपर इस तरह से रैंडम पैटर्न बना रही हूँ, और फिर रख देंगे थोड़ा सा पिस्ता। तो इसी के साथ हमारा ये मिरर ग्लेज केक तैयार हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि इसे हमने घर पर बनाया है? एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, जैसे किसी महंगी वाली बेकरी से मिलता है। तो बहुत ही कम खर्चे में आप ये केक घर पर बना सकते हो, और अगर आप केक सेल करते हो तो आप इसे काफ़ी हाई रेट्स पे सेल कर सकते हो। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फटाफट से ट्राई करिए इस केक को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।